कांग्रेस के राज में बना था वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें कहा गया था कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वो 15 अगस्त 1947 को थे। यही वो कानून रहा जिसके समर्थन से ज्ञानवापी मस्जिद के लिए दलील मुस्लिम पक्ष देता रहा और इसे ही वाराणसी की अदालत ने खारिज कर दिया। ओबीसी समेत दूसरे मुस्लिम नेता इसे विवाद में देश में पढ़ने की और बढ़ने की नई शुरुआत कह रहे हैं, लेकिन क्यों, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 91 का एक्ट है, जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, उन आप तमाम गवाह हैं, मैंने कहा था कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ भी हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं, 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम हैं। असदुद्दीन ओवैसी समेत मुस्लिम पक्षकार और मुस्लिम नेता जिस वर्शिप एक्ट की जमीन पर ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद के न टिक पाने पर सवाल उठाते हैं, वो क्यों वाराणसी की अदालत में नहीं चले, इसकी एक वजह समझिए। मुस्लिम पक्ष की दलील ये रही कि 350 वर्ष से ज्यादा वक्त से जमीन पर मुस्लिमों का कब्जा रहा है, स्वामित्व का सबूत 1883 के खसरा में मौजूद है और वर्शिप एक्ट 1991 के तहत जो उपासना स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहना चाहिए। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से दलील ये रही कि 1993 तक वो बिना रोक टोक पूजा करते आ रहे थे, 1993 के बाद उन्हें साल में सिर्फ एक बार पूजा की इजाजत यहाँ मिलने लगी, लिहाजा यहाँ वर्शिप एक्ट 1991 लगता ही नहीं है। अब इसीलिए मुस्लिम पक्ष ने आगे अपील करने की तैयारी कर ली है। कोर्ट को तो चाहिए कि इन चीजों को इनिशियल स्टेज में रोक लगानी चाहिए, अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज है, उसमें अपील होगी। मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक दरवाजा खोल दिया, जिस बात का मुझे डर था अब वो चीजें हो रही है सामने हमारे। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के फैसले होंगे। मैं समझता हूं कि अपर कोर्ट में ये इसके खिलाफ फैसला होगा और ये काबिले समाअत ही नहीं रहेगा, इस किस्म का फैसला होना चाहिए। सवाल है कि वर्शिप एक्ट के इसी आधार को लेकर आगे क्या मुस्लिम पक्ष को राहत मिल पाएगी। इस सवाल के जवाब की तलाश में हमें काशी विवाद में ही सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के फैसले को ध्यान में रखना होगा, जहां सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मस्जिद पक्ष के वकील से कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप का पता करने को प्रतिबंधित नहीं करता। ज्ञानवापी मस्जिद 1991 के वर्शिप एक्ट के आधार पर कानूनी विवाद से बाहर रहेगी या नहीं, इसको लेकर अब उच्च अदालतों तक मामला पहुंचेगा। लेकिन इस बीच ओवैसी एक और बड़ी बात कहते हैं, इसका डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है पूरे देश में। मैंने पहले ही इस बात का अप्रिहेंशन का इजहार किया था कि 91 का एक्ट जरूर है, मगर अगर सबको ये प्ली लेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले कुछ था तो फिर 91 का एक्ट क्या है, फिर ये सेटबैक है, इससे देश में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है क्वेश्चन मार्क नहीं। इसलिए देखिए हर कोई जाकर ये बोलेगा कि 15 अगस्त से पहले था, 47 से पहले ये होता था, कहां खत्म होगा भाई ये, फिर ये कहां खत्म होगा बताइए। हमने 91 का एक्ट क्यों बनाया था, बनाने का मकसद क्या था कि इस तरह के ये जो चीजें हो रही हैं उसका खात्मा हो जाए। पिछले कुछ महीनों की घटनाएं अगर याद करें तो पाएंगे कि काशी के बाद लगातार कई मस्जिदों के पहले मंदिर होने और वहां पूजा की मांग करती हुई खबरें आईं। ज्ञानवापी विवाद में मस्जिद परिसर के भीतर बजूखाने में सबसे पहले शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से हुआ, कोर्ट के आदेश पर जहां सर्वे हुआ था। इसके बाद ताजमहल को VHP बजरंग दल के नेता तेजो महल होने का दावा करने लगे, यहां भी दावा हुआ कि नीचे शिवलिंग है। आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव देव की प्रतिमा होने का दावा हिंदूवादी संगठन ने किया था। कुतुब मीनार को कई मंदिर तोड़कर बनाए जाने का दावा हिंदूवादी संगठन और BJP नेताओं ने किया। दिल्ली में जामा मस्जिद को खोदने पर मंदिर के अवशेष मिलेंगे, ये दावा हिंदू महासभा ने किया। कर्नाटक के बीदर जिले में VHP ने दावा किया कि पीर पाशा की दरगाह असल में मंदिर है, सरकार से यहाँ पूजा की इजाजत मांगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदू संगठन दावा करने लगे कि टीपू सुल्तान पैलेस मंदिर की जमीन पर कब्जा करके बना है। कर्नाटक के मंगलुरु में भी हिंदू संगठन दावा कर चुके हैं कि यहाँ मलाली मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई।
क्या काशी के बाद मथुरा और फिर आगे लगातार हर जगह ऐसे ही विवाद बढ़ेगा और वर्षिप एक्ट 1991 को खारिज करने वाली वाराणसी की अदालत के आदेश के आधार पर मामले मस्जिद के नीचे और पीछे मंदिर के दावे के साथ बढ़ेंगे, तब जरूरी है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का जून महीने का बयान याद किया जाए। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? मोहन भागवत ने जो एक बड़ी लकीर जून में बयान देकर खींची थी, क्या अब उसी लकीर पर बीएचपी चलेगी? क्या बजरंग दल लकीर को मानेगा? क्या बीजेपी के लोग संघ की खींची लकीर का पालन करेंगे? क्या हिंदू संगठन संघ के संदेश को समझेंगे? क्या ओवैसी अब मामला सुलझाएंगे या और उलझाएंगे? इन्हीं सवालों के बीच 12 सितंबर के फैसले के आगे की कहानी चलती रहेगी। कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक।